अकेले आ गए, ए पीछे गया, ओ ब्रो आजा आजा। और पहाड़ देख रहे भाई कितने बड़े बड़े हैं यहाँ पे भाई, ले ले ताकि फीलिंग नहीं आ रही भाई साहब, पूरी बैंड बजने वाली है पीछे वालों की तो भाई तबाही, रोड खराब है यार यहाँ पे तो। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लिट्स यो वीके। सो कैसी है अपनी पब्लिक, आई होप सब बढ़िया होंगे। देख रहे हो भाई हसीना की न्यू लुक, अब चेक कर सकते हो बिल्कुल प्यारी सी। अभी मैं आपको लाइट्स ऑन करके बताता हूँ भाई कैसी दिखती है। सो देखो भाई भाई प्रोजेक्टर्स देख रहे हो भाई कितने खतरनाक लग रहे हैं। और अभी हमारी मॉर्निंग के साथ, ग्रेट मॉर्निंग के साथ हम करेंगे ग्रेट राइड। सो अभी भाई लोग बच गए हैं मॉर्निंग के 6 और अभी हम जा रहे हैं खतरनाक सी राइड पे। और देख रहे हो भाई मानिक भाई आते आते स्टार्ट हो गए हैं, पीछे हमारे V4 आ रही है और 180 आ रही है। एक्चुअली आज थोड़ा मॉर्निंग में राइड मारने का मूड था और 5 बजे का टाइम सोचा था, ना करते 6 बज गए। अभी वेदर देख सकते हो आप इतना खतरनाक है ना भाई कि क्या ही बोलूं, ऐसे लग रहा है भाई थोड़ी देर बाद बारिश होने वाली है। और अभी हम जा रहे हैं बड़ी ब्रह्मा वाली साइड और उधर से पहले नील भाई को पिक करेंगे, फिर आपको बताते हैं नेक्स्ट लोकेशन हमारी क्या रहने वाली है। और प्रोजेक्टर लाइट से भाई बाइक बहुत ही प्राउड हो गई, और आप देख रहे हो जब से मैंने वाइजर उतारा व्यू एंगल कितना अच्छा हो गया आगे से, मतलब कि अच्छा दिख रहा है यार। बारिश का नाम ही लिया और छोटी छोटी बूंदे हाथों में पड़ना भी स्टार्ट होगी कसम से यार। ओ भाई बारिश ना आए पूरा मूड खराब हो जाएगा भाई। कोशिश करेंगे यार थोड़ी जल्दी निकलते हैं, थोड़े फास्ट चलते हैं क्योंकि बारिश पड़गी ना भाई पूरी गेम खराब हो जाएगी, जो सोचा था ना भाई कुछ भी ना हो पाएगा वहाँ पे। मेरे को नहीं लगता भाई जम्मू का कोई भी अभी तक ब्लॉगर गया होगा, पर अब ब्लॉग देखने के बाद भाई का भाई सारे जाएंगे क्योंकि जगह ही भाई इतनी खतरनाक है, नेक्स्ट लेवल है कसम से यार। अगर ऐसा वेदर हो भाई किस राइडर का मन नहीं करेगा भाई बाहर निकलने को, भाई ऐसा मौसम होना चाहिए कसम से यार। फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं बड़ी बहना, बट सीन ये है भाई नील भाई कॉल नहीं उठा आ रहे हैं। अब जब उस बंदे को पता लगेगा बंदा अफसोस करेगा, बाद में बोलेगा भाई साहब मुझे पता नहीं था कॉल आई हुई है, पक्का साइलेंट करके सोया होगा जब बंदा लेट सोया होगा। दो ही कारण होते हैं भाई नहीं उठने के सुबह भाई, मौसम इतना तगड़ा बंदा करेगा, बंदे का खींचने का मन ही नहीं कर रहा, मन कर रहा आराम से चलते जाए भाई। तो अभी हम फाइनली करने वाले हैं टोल प्लाजा क्रॉस रोड अड्डे वाला। ओ भाई साफ 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 क्या तबाही खराब किया वो इन्होंने यार। ओहो यहाँ पे तेज नहीं चलाना, यहाँ पे थोड़ा खराब है यार, यहाँ पे बाइक मिस बैलेंस हो जाती है भाई। और अभी ठंडी खुई के ढाबे पे चलते हैं, मस्ती चाय पियेंगे भाई। अगर खुला होगा तो भाई खुल जाना चाहिए, 6:10 हो रहे हैं भाई, खुला होगा तो भाई मस्त है भाई, चाय पियेंगे भाई। और जम्मू वासियों को तो चाय तो भाई वैसे ही बहुत ज्यादा पसंद होती है, पता ना आपको। चाय वाला ढाबा खुला हुआ ब्रो, अभी यहाँ पे चाय पियेंगे मस्त। और कृष्णा भाई तो आगे चले गए भाई साहब। सो फाइनली यार यहाँ से चाय जो पी ली हुई है अभी हम निकल रहे हैं। और भाई साहब बाइक साइड करो अपनी प्लीज। सो भाई मौसम लगता है तबाही रहने वाला है संडे राइडर्स को भाई, बहुत आसानी हो जाएगी क्योंकि देख रहे हो मौसम, वाओ यार क्या लग रहा है भाई। मेरे को तो लग रहा है 9-10 बजे तक शायद धूप ना ही हो, और अच्छी बात है भाई नहीं होगी तो। और अभी चाय पीने से भाई इतनी ताजगी आ गई कि भाई क्या ही बोलूं, एनर्जी लेवल भाई नेक्स्ट हो गया ब्रो। देख सकते हो सूरज की पहली किरणें भाई निकलना स्टार्ट हो गया भाई, कितने ऐसे व्यू दिखते हैं ना भाई सुबह मॉर्निंग में, दिल खुश हो जाता है भाई। सभी देख रहे हो ब्लू ब्लू कितना तगड़ा लग रहा है भाई कसम से। और ये अभी कंस्ट्रक्शन साइड है, यहाँ पे शायद हॉस्पिटल वगैरह कुछ बन रहा है। सो ब्रो कितनी तगड़ी लग रही है ना ये लोकेशन भाई, ये भी अपने आप में नेक्स्ट लेवल है भाई। और सूरज मामा दिखने लग गए कुछ ही देर में, थोड़ा सा और बाहर और धूप आने वाली है। सो यार आज हो ही जाए V4 वर्सेस डोमिनर 400 भाई साहब। ओ भाई साहब तगड़ी भाई, साउंड सुन रहे हो नहीं ब्रो, नहीं टक्कर ही नहीं है भाई, आ जा भाई अकेले आ गए, आज तो पकड़ के रहेंगे भाई साहब इसको। ए पीछे गया, ओ ब्रो आ जा आ जा, लगा ले दो हाथ भाई, आज आज हो ही जाए। ओ भाई साहब खतरनाक भाई, 123 स्पीड मेरी है तो भाई उसकी भी होगी यार। पकड़ना जरूरी है भाई इसको, नहीं ब्रो अब ज्यादा मस्ती नहीं करेंगे भाई, मस्ती में बहुत सीन होते हैं भाई, अब आराम से चलेंगे, अब कोई जरूरत ही नहीं है भाई पंगे करने की। कर लो भाई चिची माता के दर्शन, ये रही हमारी चिची माता, यहाँ पे हम लास्ट टाइम आए थे, इस पर हमने ब्लॉग बना दिया था भाई साहब। देख रहे हो भाई यहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन साइड हो गई है भाई, रोड ही बंद कर दिया हुआ है भाई, थोड़े दिन आई नहीं तो भाई इतनी तबाही कर दी इन्होंने रोड की, अब ये कौन सा हाईवे निकालने वाले है कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई। कंस्ट्रक्शन साइड की वजह से यहाँ पे धूल मिट्टी बहुत ज्यादा हो गई है सीरियसली भाई, भाई साहब गजब ही रोड तोड़ा हुआ है भाई। फाइनली मैंने सोचा कहीं ज्यादा आगे ना आगे हुए,
बट अभी फाइनली मिल चुका रास्ता भाई, यहाँ से राइट साइड होना था मेरे को जितना याद है, सब खज्जल लेने चाहिए, बाकी सब सही है भाई। देख सकते हो भाई इस जगह पे व्यू कैसा ही है, तबाही व्यू है भाई यहाँ पे, और ऑफ रोड बहुत ज्यादा है भाई, थोड़ा बच के बाइक चलाएंगे। रोड भी तबाही हो चुकी है, टोटली खराब हो चुकी है भाई, कितना सही एरिया भाई, विलेज टाइप एरिया पूरा, अभी काफी ज्यादा चलना पड़ेगा, उसके बाद वो जगह आएगी जो मैं आपको बोल रहा हूँ। ऐसा लग रहा है भाई इंसान से जंगल में आ गए हूँ मैं, देख रहे हो कौन से जंगल इलाके में घुस गए हूँ। पीछे मानिक भाई भी सोच रहा होगा कि भाई कहाँ पे ले आया भाई आज, इस साइड रोड ने खतरनाक कर लिया भाई, देख रहे हो यहाँ पे तो और भी ज्यादा मजा आ रहा है भाई, देख रहे हो भाई, भाई व्यू चेक कर रहे हो भाई साहब, अलग ही लेवल भाई, और पहाड़ देख रहे हो भाई कितने बड़े बड़े हैं यहाँ पे भाई, ले लद्दाख की फीलिंग नहीं आ रही। और देख रहे हो भाई ये चीज तो मैं दिखाना चाहता था भाई, ये जम्मू का यहाँ पे कोई व्लॉगर अभी तक नहीं आया हुआ है, बाहर के नहीं आए तो जम्मू को क्या आएंगे भाई, फर्स्ट टाइम भाई हम एक्सप्लोर कर रहे हैं ये जगह, आप देख सकते हो फोटोशूट के लिए भी बेस्ट है, और इतनी बीच में है ना भाई, किसी को पता भी नहीं ये जगह ऐसी है अभी यहाँ पे, और तो अब स्टार्ट होगा भाई, इन्होंने देखा ही क्या, अब दिखाता हूँ आपको ऑफ रोड यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे लास्ट टाइम भाई चेतन भाई हमारे गिर गए थे बड़ी बुरी तरह से, ओ भाई साहब खतरनाक मेरी जान, ओ चल सीना चले 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 चले, ओ भाई साहब चढ़गी 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 भाई, शॉकर का थोड़ा डर लग रहा है और कुछ नहीं भाई, भाई साहब ये पहुंच चुके हैं हम अभी ऊपर टॉप पे, थोड़ा सा हम ऊपर चढ़ जाते हैं फिर वेट करते हैं उनका भी, ओ भाई सिर्फ मिट्टी मिट्टी कर दी हुई है, अभी अभी हम पहुंचे कहाँ, अभी अभी आगे आगे जाना हमें थोड़ा, और यहाँ पे मस्त इन्होंने आग उग लगाई हुई है भाई साहब, और देख रहे हो रोड आगे बिल्कुल ही खराब है भाई, बंदे बोल रहे हैं कि पीछे रुकना था भैया, पीछे इतनी तगड़ी लोकेशन थी, मैंने बोला तगड़ी आगे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लोकेशन था भाई, तुमने अभी देखा ही क्या भाई, ऑफ रोड से थोड़ी बाइक बचा के थोड़ा रिस्क रहता है भाई, नए डील हो जाते हैं भाई, अभी इन्होंने ऑफ रोड देखा ही क्या भाई, जो आगे लोकेशन है ना भाई मस्त, भाई साहब रास्ता रह गया था पीछे और हम काफ़ी ज़्यादा आगे आगे थे, शुक्र करो हमने किसी को पूछ लिया भाई, नहीं तो मैंने तबाही की तरह आगे चलते रहना था, बाद में गाड़ियाँ पड़नी थी सबसे कि भाई कहाँ लेके आ गया है, यहाँ से नीचे होना था भाई, हमने हम आगे चले गए थे सीधे, बहुत पतला सा रोड है, आराम से चलेंगे, बाइक बचाते भाई ऑफ रोड, भाई यहाँ पे बहुत गंदे ऑफ रोड है ओए, भाई साहब पूरी बैंड बजने वाली है पीछे वालों की, तो भाई तबाही रोड खराब है यार यहाँ पे, तो यहाँ पे पता लग गया प्रोफेशनल राइडर कौन है भाई, ऐसे ही जगह पे चेक होता है भाई, और भाई कुछ हम इस तरह के लोकेशन में जा रहे हैं अभी नीचे भाई, बहुत खतरनाक वाला ऑफ रोड यार सीरियसली यार, और फाइनली जिस जगह की मैं बात कर रहा था वहाँ पे हम पहुँचने वाले हैं, जस्ट पहुँच ही गए भाई साहब, रुक जाओ दिखाता हूँ तुम्हें, और इस पुल के ऊपर से जो फोटोज आती है ना भाई खतरनाक, और कहा जाता है कि भाई ये पुल हाथों से बना था जब भी बना था, तो भाई कितना बड़ा पुल है यार, हाथों से बनाया इन्होंने कैसे बनाया भाई, इनको भी सल्यूट है ब्रो, और आपको ऊपर से व्यू दिखाता हूँ एक बार क्या दिखने वाला भाई, बहुत ही खतरनाक व्यू दिखता भाई यहाँ से, पुल का नज़ारा दिखाते हैं ऊपर, अभी चलते हैं यहाँ से, रास्ता छोटा सा, यहाँ से जाएंगे सीधे ऊपर, सो भाई देखो भाई साहब कितना तगड़ा पुल है, और देख रहे भाई यहाँ पे व्यू कितना तगड़ा भाई, ओपी नेक्स्ट लेवल, और वहाँ पे लगी हमारी बाइक्स, जैसे कि देख सकते हो स्टैंडर्ड आ गई, डोमिनर आ गई, 180 आ गई, V4 आ गई, और व्यू देख रहे हो भाई यहाँ से, सो भाई यहाँ पे फोटोशूट कराओ जो मर्जी कराओ भाई, नेक्स्ट लेवल आता है, मैं सच में बोल रहा हूँ, यहाँ पे आओ ऐसी जगह पे एक्सप्लोर करो, मेरे को नहीं लगता जम्मू का कोई भी बंदा अभी तक इधर आया होगा, मुझे पूरा यकीन है भाई, और हम फर्स्ट टाइम जो यहाँ पे ब्लॉगिंग करने आए हैं, लोगों के रिएक्शन बड़े खतरनाक है, और भाई अब यहाँ पे थोड़ा बैठते बूटते हैं, चिलचुल मारते हैं, फोटोशूट चाहते हैं, उसके बाद मिलते हैं तुम्हें सीधे बाद में, देखो कितने प्यारे प्यारे हैं यार ये, देख रहे हो, हेलो कैसे हो ओ भाई साहब नेक्स्ट ही लेवल ब्रो, सो फाइनली यार यहाँ पे हमने काफ़ी मज़े कर लिए, और यहाँ पे छोटी छोटी बारिश हो रही थी, मैं नहीं चाहता भाई कि बारिश हो जाए रोड टोटली ख़राब हो जाए तो जाना मुश्किल हो जाए, तो हमने सोचा भाई पहले ऑफ रोड से निकाल लेते हैं बाइक्स वगैरह, उसके बाद आगे कोई अच्छे से रोड पे बैठ के भाई जो खाएंगे पियेंगे छोटा मोटा जो लाया था, अब यहाँ पे भाई हम इस टाइम रिस्क लेने नहीं वाले क्योंकि बारिश होगी, तुम्हें पता भाई ये खतरनाक रोड भाई गंदा होने वाला, फिर टायर जो स्लिप करेंगे ना भाई भगवान ही जानता हम घर पे कैसे जाएंगे, इतनी ज़्यादा मज़े किए हमने इस व्यू में, व्यू देख रहे हो भाई कितना नेक्स्ट लेवल है यार ये, हाँ भाई जो ताना ही शांति ऊपर लाते वक्त पता लगा भाई सबको कि क्या सीन होने वाला है भाई, हमने तो उसमें रील्स बना ली, मैंने शॉर्ट्स नहीं लिए भाई, देख रहे हो बिल्कुल ही मिट्टी तबाही मचा के जा रहे हैं भाई ये लोग, तो थोड़ा ध्यान से चलाएंगे भाई, अभी बहुत रिस्क रहने वाला है ऐसे रोडों पे भाई, बहुत रिस्क रहता है, टायर इतनी जल्दी स्लिप करता ना भाई कि तुम सोच भी नहीं सकते भाई, तुमने 2 मिनट के लिए नज़र साइड पे की और भाई तुम गिर गए बस, मैं तो आ गई ठीक ठाक से, अब मैं जाते टाइम वापस आते टाइम मैं पीछे जा रहा हूँ तो भाई बहुत मुश्किल हो रही है, देख रहे हो कितनी मिट्टी में चढ़ रहे यार, अब आ गई वापस से चढ़ान भाई, अब बाइक्स करने वाली स्लिप तगड़ी, देख रहे हो भाई कैसे चढ़ रहे हैं ऊपर, ये बीस्ट मोड में चलो भाई, चलो 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 बाइक भाई ये पहुंच गए चढ़ गए भाई, ये लास्ट चढ़ान थी, अब इसके बाद कोई चढ़ान नहीं आने वाले, इसके बाद थोड़ा सा रोड ठीक हो जाएगा, तो फाइनली उस रोड से हम आ गए हैं बाहर सांबे वाली साइड, मुझे एक्चुअली थोड़ा सा काम है तो मैं यहीं पे शायद से स्टे करूँ, कोई पक्का नहीं पता घर को, घर जाऊँ नहीं जाऊँ, इनको मैंने अलविदा कर दिया भाइयों को, आगे से मैं राइट टर्न हो जाऊँगा तो भाई ये सीधे अपने घर को चले जाएंगे, सेफली चले जाएंगे, सो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आएगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भाइयों को यू ही सपोर्ट कीजिएगा, भाइयों को आपकी सपोर्ट की जरूरत है, तब तक के लिए टेक केयर टिल बाय, मिलते हैं अगली प्यारी सी मस्ती वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ।